नोएडा से बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा में अधिवक्ता आशीष शर्मा पर जानलेवा हमला हुआ है। हमले में आशीष शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया। चिकित्सकों के अनुसार उनकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। थाना सेक्टर 63 गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो बड़ी खबर नोएडा से है, जहाँ अधिवक्ता आशीष शर्मा पर जानलेवा हमला हुआ है। दबंगों ने आशीष शर्मा पर जानलेवा हमला हुआ, जिसमें आशीष शर्मा गंभीर रूप से यार मेरा सिर तो इधर की पार्टी अलग होगी, इधर की पार्टी अलग आवाज नहीं आएगी। देखो पत्थर एक सवार पर नंबर लगा दे, एक सवार पर और बिलाल मस्जिद के जन चुप रहो रे यार। तो फिर एक सवार